नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में 13 दिनों से चल रही प्याज व्यापारियों की हड़ताल आखिरकार हुई खत्म। नाशिक जिले के 15 कृषि उपज बाजार समितियों में फिर से शुरू होगी नीलामी। मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में भारी बारिश को लेकर किया गया अलर्ट। 24 घंटे में राज्य में हो सकती है जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मुंबई लोकल ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करने वालों की अब खैर नहीं। पश्चिम रेलवे ने 8 घंटे में 1600 से अधिक वसूला जुर्माना। रेलवे ने दी जानकारी, आने वाले सप्ताह में जारी रहेगा कार्रवाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक सरकारी अस्पताल में 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मौत पर राज्य सरकार हुई गंभीर। छत्रपति संभाजी नगर के घाटी अस्पताल से डॉक्टरों की पहुंचेगी टीम। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल में मौत से मचा कोहराम। 24 घंटे में हुई 24 मरीजों की मौत। मृतकों में 12 नवजात बच्चे शामिल, 70 मरीजों की हालत नाजुक। नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल में 12 नवजात बच्चों समेत 24 मरीजों की मौत का मामला सामने आने के बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार। कैबिनेट बैठक में नांदेड़ अस्पताल में हुई मौतों पर चर्चा के साथ जांच समिति बनाने पर हो सकता है फैसला। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से हुई मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। कहा, नवजात शिशु समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार है अत्यंत दुखद। सभी शोकाकुल परिवार के प्रति व्यक्त करता हुआ अपनी संवेदना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नांदेड़ अस्पताल हादसे को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर कर सकती है खर्च, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए नहीं है पैसे। बीजेपी की नज़र में गरीबों की जिंदगी की नहीं है कोई कीमत। दादर के महात्मा गांधी स्विमिंग पूल में मिला मगरमच्छ का बच्चा। बगल में मौजूद चिड़ियाघर के संग्रहालय से मगरमच्छ की स्विमिंग पूल में आने की जताई जा रही है संभावना। मध्य रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेन की महिला यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी। सजने संवारने के लिए प्लेटफॉर्म पर बना रहा है महिला पाउडर रूम। खाने घाटकों पर मुलुंड और मानखुर्द समेत 7 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होगी सुविधा। महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।